बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस काजोल अपने बेबाक बोल की वजह से हमेशा तारीफों में रही हैं। चलिए इस खास रिपोर्ट में आपको बता दें कि बॉलीवुड के शानदार डायरेक्टर रोहित शेट्टी के आगे एक बड़ी डिमांड काजोल की थी। इस बारे में काफी चर्चा भी हुई थी। जी हाँ, कॉमेडी फिल्म करने की इच्छा काजोल की रही और इसके लिए रोहित शेट्टी से उन्होंने गोलमाल के सीक्वेंस में काम करने की इच्छा जाहिर कर दी। पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से काजोल बॉलीवुड के पर्दे पर कर रही हैं राज और अब ओटीटी की दुनिया में भी उन्होंने कदम रख लिया है। ऐसे में आपको बता दें कि काजोल ने एक फिल्म के इंटरव्यू के दौरान अपने दिल की कई बातें खुलकर रखी थी और उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से फिल्मों से ब्रेक लेने के फैसले उनके खुद के थे और अब वो कॉमेडी फिल्मों में फिर से आने की इच्छा जाहिर कर रही हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि वो कॉमेडी फिल्मों में खासकर काम करने की इंतज़ार कर रही हैं, समय की उम्मीद करती हैं कि उनके लाइफ में ऐसा टर्न ज़रूर आएगा जब वो कॉमेडी फिल्मों में काम करेंगी। मां बनने के बाद अपनी करियर में ब्रेक लिया था उन्होंने। इस निर्णय पर भी काजोल ने खुलकर बात की थी। खैर, यहां आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में काजोल के रोहित शेट्टी के सामने डिमांड की बात कर लेते हैं। तो रोहित शेट्टी काजोल के काफी क्लोज हैं, इसलिए उनसे उन्होंने गोलमाल जैसी फिल्म में करने की इच्छा जाहिर की है। गौर हो कि गोलमाल में अजय देवगन लीड रोल में रहे हैं और इसलिए पॉसिबल है कि अजय अगर रोहित से बात करें तो काजोल की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए।